कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। अगला मिसरा पहुंचाइएगा दिल्ली तक। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। पहला पद सुनेगा इस नज़्म का, कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अलता हाथ डालो, तैयार रहना अगले मिसरे पर। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया, लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। से बांटता है जो सोचता है, जो चाहता है कोई न बोले। अब ऐसे आलम में बात करना है जैसे मरना, अब ऐसे आलम में बात करना है जैसे मरना। सो सीधा साधा सा मशवरा है, कोई न बोले। लेकिन उसके बावजूद एक शायर जिसने इस बात को रद्द किया और उसने ये कहा कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी घूंगे की कहानी नहीं लिखती। आपके महबूब शायर आली जनाब इमरान प्रतापगढ़ी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वह तशरीफ लाएं। इसके बाद हम तबस्सुम साहिबा को सुनेंगे और फिर मोहतरम नईम अख्तर हाजी साहब पर इस मुशायरे का खात्मा होगा। बहुत शुक्रिया इन दो कला मोहब्बतों के लिए। बड़ी तादाद में इस सर्द मौसम में आप इकट्ठा हैं। इधर जो ढाई सौ लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है बैठ जाएं। आप भी बैठ जाएं, पीछे के लोगों को देखने में दिक्कत होती है, आप बैठ जाएं। बड़ी तादाद में यहां माए बहने भी इकट्ठा हैं, मैं उनकी भी मौजूदगी को सलाम करता हूं। मैं कई साल बाद मुशायरों में आया हूं और आज ये चाह रहा हूं कि आपसे सिर्फ शायर बन के बात करूं, सांसद बन के बात नहीं करूं। दो बातें मुझे कहनी है स्टेज पर बैठे हुए लोगों से। देखिए इधर जो सामने तीन फीट नीचे कुर्सियों पर या जमीन पर बैठे हुए लोग हैं, इधर स्टेज पर तकरीबन पांच फीट ऊंचे बैठे हुए कुछ अहम लोग हैं। मैं ये देख रहा हूं कि पूरा मुशायरा सामने बैठे हुए लोगों की वजह से चल रहा है। डाइस पर बैठे हुए लोग ऐसे खामोश हैं जैसे अडवाणी जी चुप रहते हैं आजकल। डाइस पर बैठे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप डाइस पर बैठे हैं और पांच फीट ऊपर बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी नीचे वालों की है या नीचे वाले कमतर हैं। मेरा अपना मानना है कि तराजू के दो पर्दे होते हैं, वो पर्दा झुका होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आप नीचे बैठे हैं और आप पूरी जिम्मेदारी से मुशायरे को चला रहे हैं, लेकिन स्टेज के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप सब भी इस मुशायरे को उसी तरह से बनाएं, खूबसूरत बनाएं, अच्छा बनाएं, जिस तरह सामने बैठे हुए लोग बना रहे हैं। यहाँ मोहतरम अशफाक करीम साहब बैठे हुए हैं जो राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के और बड़ा मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी साहब तशरीफ फरमा है। हमारे बुजुर्ग इजहार अशफी साहब यहां बैठे हैं जो आपके एमएलए हैं। अंजार नईमी साहब बैठे हैं। एक्स एमपी सरफराज साहब बैठे हुए हैं। मास्टर मुजाहिद साहब आपके अपने रहनुमा बैठे हुए हैं और इस प्रोग्राम के जो कन्वीनर हैं इंजीनियर असलम अलीक साहब। और इस प्रोग्राम को सजाने में कुछ नाम जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उसमें मुखिया सलमान का नाम मैं खासतौर से मेंशन करूंगा। इन्होंने बहुत इस प्रोग्राम को सजाया है। और गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है, पूरे हिंदुस्तान में नफरत की बात करने वाले लोग सियासतदान अगर आज की इस रात
अल्ताहाट में आए तो ये देखेंगे कि इस मुशायरे को सजाने संवारने में जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले शख्स का नाम दिलीप मंडल है। और हम जब इस मुशायरे में आ रहे थे, मुशायरा गांव में आ रहे थे, तो सामने खूबसूरत सा मंदिर है और सामने ये बैठी हुई सीमांचल की आवाम है। ये है बिहार जिससे पूरे हिंदुस्तान की नफरत को हारना है। दोस्तों आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं बहुत दिन बाद मुशायरे में आया हूं, आप थोड़ी देर पढ़वा लेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूं, अपने रंग में आ सकूं, लेकिन जिम्मेदारी आप ही को निभानी है। बड़ी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई, इसी बीच 3 दिन पहले 2000 का नोट भी बंद हो गया। अच्छा, कर्नाटक हारने के बाद 2000 का नोट तो बंद करना ही था उन्हें, जो नोट उनके काम नहीं आ सकते उसे बंद कर देना ही ठीक था, उन्होंने बंद कर दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह। मुझे लगता है कि कर्नाटक हारने पर 2000 का नोट बंद हुआ है और मध्य प्रदेश हारेंगे तो फिर 500 वाला भी बंद कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं नज्म सुनाता हूँ, ऐसे आते हुए रास्ते में हो गई है, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा आप उसी मूड में सुनेंगे तो मैं सुना पाऊंगा कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। क्या कहने, क्या कहने। मुझे लगना चाहिए कि ये वही सीमांचल है जिसने मुझे दुआएं दी 2012-13 में, जब मैं नया नया सा शायर आपके बीच आता था, आपने दुआएं दी और फिर आपकी दुआओं ने मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। ये आपकी दुआओं का सदका है। मैं सीधे सीधे नज्म सुनाता हूं, बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत देर से भाषण सुन सुन के थक चुके हैं, मैं जानता हूं। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। अगला मिसरा पहुंचाइएगा दिल्ली तक। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। पहला पद सुनेगा इस नज़्म का। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अल्ताहाट वालो तैयार रहना अगले मिसरे पर। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया, लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा रंग में आ जाऊंगा अगर आपने सुनने की कोशिश की तो। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया, लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेले निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में, उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। वही कर्नाटक जहां हिजाब बैन कर दो, हिजाब का हिजाब हलाल बैन कर दो, आप सबने सुना होगा। मैं इन तमाम नफरत वाली राजनीति के नाम चार मिसरे करता हूं और अगर लगे कि मेरा तेवर है ये, अगर लगे कि इमरान कह सकता है इस बात को, तो फिर मुझे आपकी दुआएं चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे, बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे, जितने तीर कमान में थे सब चला चला कर घूम रहे, जो हलाल
झटका खा कर घूम रहे सदियों वाली नहीं रिवायत जीत गई कर्नाटक में नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में जीत गई कर्नाटक में। आखिरी बंद पड़ता है इस नज्म का, उसके बाद फिर आपकी पसंद की आपकी ख्वाहिश की जो जो नज्म है वो सुनाने की कोशिश करूंगा कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। क्यों आया ऐसा रिजल्ट कि बड़े बड़े टीवी चैनलों पे बैठे हुए सूरमा समझ नहीं पा रहे कि गलती कहां हो गई, लेकिन मैं बताता हूं कि हुआ क्या कर्नाटक में कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे, राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। जिंदाबाद। धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे, राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। वो जो बंटवारा करते हैं बीच में हिंदू मुस्लिम के, उन्हें बताओ बजरंगी हनुमान हमारे साथ रहे। प्यार मोहब्बत वाली विरासत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में, हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपने जो दुआएं दी हैं इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं।